ओके जी, यहाँ पे मैंने डाले हैं बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का कॉटन का सूट। आरव ने भी अपने कंफर्टेबल से कपड़े डाले और हस्बैंड ने भी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताती हूँ। शाम हो गई थी, निकलते निकलते हम जा रहे थे अपनी गाड़ी से चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसलिए जा रहे थे क्योंकि चंडीगढ़ से अगले दिन की हमारी फ्लाइट थी मुंबई की। तो हमें मामाअर्थ ने इनवाइट किया था, उनका मामाअर्थ इनटू फेमिना इवेंट था। लास्ट ईयर भी मुझे इनवाइट किया गया था। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, बट मैं नहीं गई। मुझे लगा पता नहीं, मैं हमेशा घर पर रहती हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं बस ऐसे वैसे में, प्लस बहुत बस ऐसे ही नहीं गई। आरव के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, पता नहीं क्यों। इस बार मुझे जब दोबारा से मामर्स ने कॉल किया कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, यू प्लीज़ कम, तो फिर मैंने उन्होंने ये तक बोला कि हम टिकट्स दे रहे हैं आपके आपके हस्बैंड की, फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, मुंबई टू चंडीगढ़ आने जाने की, प्लस हम आपको सेंट रीजस में आप स्टे करोगे। बहुत कन्विंस किया, मतलब उन्होंने बहुत प्यार से, इतने प्यार से कन्विंस किया कि मुझे प्लस खुद में भी फील होने लगा कि अगर मुझे ऐसे इवेंट्स पे बुला रहे हैं इतनी रिस्पेक्टली, तो एटलीस्ट आई शुड गो। फैमिली मेरी साथ में जा रही है तो सबकी एक अच्छी सी आउटिंग हो जाएगी। हम कभी मुंबई नहीं गए, हम कभी प्लेन में नहीं बैठे, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मेरे दिमाग में आ रही थी। आई टुक अ 2 डेज, मेरे को सोचने में लग गया कि मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। आरव की टिकट हमने खुद करवानी थी, फिर हमें ये था कि आरव की टिकट भी बिल्कुल उसी प्लेन में हो जाए। तो थोड़ा करते करते ना, बस भाई ने भी बोला कि नहीं तुम जाओ, इफ़ आर गेटिंग इन्वाइटेड तो क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो बस गाइज, देखा आपने, हम शाम को निकले थे लुधियाना से चंडीगढ़ अपनी गाड़ी में। तो ये रहा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। हाँ, बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था। एक तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ यार, यूट्यूब के लिए शूट करूँ कि इंस्टाग्राम के लिए शूट करूँ। तो हमको अगले दिन की हमारी फ्लाइट थी, हमने अपने कंफर्ट के लिए हमने क्या किया ना, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने जो होटल था ना, काफ़ी अंदर करके था वैसे डीपली, बट वो उसकी खिड़की से ना एयरपोर्ट नज़दीक दिख रहा था। मतलब हमें ये था कि सुबह हम जल्दी टाइम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जाना था। तो हमें ना, मतलब वो थोड़ा सा अंदर से हो रहा था कि भाई टाइम से हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो बड़ा कुछ ना दिमाग में चल रहा था। तो मैंने ये नहीं देखा कि होटल इज़ वेरी सिंपल। हाँ, 1800 रुपये आई थिंक इसका चार्ज था, हाँ, वन डे का। तो यूरासिया करके था होटल, हमने यार गूगल पे ही सर्च किया था कि एयरपोर्ट के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा होटल है, जिससे हमको ताकि सुबह सुबह हम जल्दी से, हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, आई थिंक हम अर्ली मॉर्निंग नहीं थी, पता नहीं यार 9 बजे की फ़्लाइट थी, आई थिंक 9 बजे की फ़्लाइट थी। हाँ, तभी ना हम 11 बजे मुंबई पहुंच गए थे, सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी। तब समझ रहे ना, हमको 7 बजे एयरपोर्ट पे होना था एनी हाउ। तो बस फिर उसी होटल के नीचे ना क्या था, हम पहले होटल गए, हमने आपका होटल का रूम आपको मैंने दिखाई दिया, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे हम उसी होटल में नीचे खाना खाने के लिए आ गए थे, तो खाना अच्छा था यार, खाना काफ़ी टेस्टी था। बस यहाँ पे आरव, जब तक हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था अपने डिनर के लिए, तो आरव बस अपने पंगे ले रहा था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा शोर भी था पीछे, वीडियो और भी लंबी मैंने बनाई थी, बट आई जस्ट एडिटेड एवरीथिंग। मैंने लगा बस टू द पॉइंट पर आती हूँ एंड आप लोगों के साथ ना सब कुछ वॉइस ओवर में शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा लंबा ना खींचे व्लॉग और बोर ना हो। चने मंगवाए थे हमने, हमने दाल मखनी मंगवाई थी, लस्सी मंगवाई थी एंड फुलके मंगवाए थे। एवरीथिंग वॉज सो टेस्टी, अच्छे बनाए थे, बिल्कुल होम कुक्ड फूड था ना, वैसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाले उन्होंने नहीं डाले थे, हमने पहले ही उनको बोल दिया था कि ओवर मिर्च मसाले मत डालना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना था, तारों के पापा को हो रहा था कहीं ऐसी एसिडिटी ना होने लग जाए, होता ना कई बार बाहर का खाना खाते हो तो, बट नहीं, इट वॉज सो गुड। चलो जी, खाना वाना खाने के बाद हम अपने रूम में आ गए। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इंस्टाग्राम की रील बनाई थी, मीन वेल दे बोथ वेयर प्लेइंग, आर के पापा तो आधी नींद में ही थे, ठीक है। और हमारी एक्साइटमेंट और नेक्स्ट लेवल थी कि ओ भाई, मतलब ले लिया पंगा है, ले लिया स्वाति, स्वाति तुमने ले लिया, भमरा तुमने ले लिया। मैं तो अपने आप को ना एकदम वो कर रही थी, मतलब पहुंच गई तुम है। तो चलो जी, चाय पीनी थी, देखो मस्ट है ना, मिलते। ओके गाइज, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे मैं सुबह उठ गई थी, और उठते सार मैंने सबसे पहले सिर धो के नहा लिया, ये वाला मैंने लुक भी शूट किया था अपना, मेकअप लुक ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमने तीनों ने रात को ही अपना ऑयलिंग वगैरह कर ली थी बालों पे, तो सुबह उठ के सब ने अपना सिर सुर धोया, अपना नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि 7 बजे हमको एयरपोर्ट पहुंचना था, 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 11 बजे तक हम मुंबई पहुंच जाते, एंड उसके बाद फिर हम, उसी दिन शाम का इवेंट था 7:30 बजे का, ठीक है।
तो बस यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली, जो भी मैंने आउटफिट्स वगैरह डाले ना गाइस, उनकी रील एंड शॉर्ट आएगा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं एकदम एकदम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ टाइम। और इतना सुंदर लग रहा था ना एयरपोर्ट, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे जाके। ये हम लिफ्ट से ऊपर आए, उसके बाद फिर हमारा ये इसी फ्लोर में बोर्डिंग होनी थी। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने इस एंगल से ली थी जस्ट फॉर द इंस्टाग्राम। एक तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, यूट्यूब के लिए शूट करूँ इंस्टाग्राम के लिए शूट करूँ, भाई क्या ही बोलूँ मैं। ये देखो रितेश देशमुख थे, ये हमारी ही फ्लाइट में आएंगे, अभी बैठेंगे, मतलब जिसमें हम गए थे। और मैं आपको वो वाली क्लिप भी दिखाऊंगी। तो ऐसे किसी सेलिब्रिटीज़ को देख के ना एक्साइटमेंट तो हो ही जाती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम प्लेन को देखा एकदम नज़दीक से, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। एंड अंदर ही अंदर मैं अपने आप में स्माइल कर रही थी, खुश हो रही थी, प्लस साथ साथ में ये भी हो रहा था कि ओ भाई सब कुछ बहुत आराम से हो जाए, अच्छी तरह से हम उस इवेंट को अटेंड करें एंड एवरीथिंग गोज़, सबको अच्छा लगे मेरे से भी मिल के, या ना कि सिर्फ मैं ही अच्छा फील करूँ। मैं जब भी कहीं पर जाती हूँ ना गाइज, मेरे दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं, एक ये चलती है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मुझे अच्छा फील होना चाहिए, प्लस जो मेरे साथ बैठा है उठा है उसको भी अच्छा वाला फील होना चाहिए, यू नो ऐसे कुछ। तो बस अभी यहाँ पे हमने प्लेन में एंटर कर लिया आफ्टर अ लॉट ऑफ चेकिंग एंड ये वो सब कुछ करने के बाद। तो बिल्कुल फ्रंट सीट पे यहाँ पे बैठे थे रितेश देशमुख एंड ओके। तो हमने मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी वैसे आप सबको दिखाने के लिए फिर थोड़ी बहुत वही मेरा वही चलता रहता है, थोड़ा सा फ़ोन यहाँ पे खोल लिया, थोड़ा सा फ़ोन यहाँ से खोल लिया, ये खिड़की से व्यू ले लिया, वहाँ से व्यू ले लिया, और मेरे को करना ही क्या होता है। आरव को थोड़ा सा पीछे करके बिठाया था क्योंकि आरव की सीट हमने खुद बुक करवाई थी ना, तो बस ब्रांड ने मेरी और हस्बैंड की दी थी आने जाने की, प्लस मुंबई का स्टे ब्रांड की तरफ से था। तो कृपया अपनी कुर्सी की सीट, कुर्सी की पेटी बांध ले, ये हम हमेशा सुनते थे, आज फाइनली हमने ये रिलीव किया मोमेंट, तो बड़ा मज़ा आया। हम सबके लिए सब कुछ ही नया था, जैसे फर्स्ट टाइम फ्लाइट, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जाना पहले तो, फिर एयरपोर्ट पे जाके फर्स्ट टाइम यू नो फ्लाइट लेनी, मुंबई के लिए जाना, एरोप्लेन में बैठना एंड कोई इवेंट अटेंड करना, एवरीथिंग वॉज न्यू। यहाँ पे बस प्लेन टेक ऑफ किया था, मैंने वो वाली क्लिप भी ली है यू नो सुपर एक्साइटेड दैट स्मॉल लिटिल किड, वैसा वाला हाल था मेरा बिल्कुल। मैं ऐसे ओवर एक्साइट, अच्छा लगता है यार, मतलब हमने इस चीज़ों के लिए कितनी मेहनत करती है छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए। या फील सो गुड एंड प्राउड, मैं अपने आप को कह रही थी वेरी गुड भामरा। नाश्ता आ गया, नाश्ते में क्या था, बन था, ब्रेड था, पानी था, साथ में बाद में चाय भी आई थी। और नाश्ते उस डब्बे के अंदर क्या था, वो था इडली सांभर एंड उपमा, टेस्टी था, माइल्ड सा फ्लेवर था बट टेस्टी था, अच्छा था। मैंने तो अपना सारा खा लिया, भूख लगी हुई थी। और ये मेरी एक फ्रेंड बन गई थी यहाँ पे, मतलब हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की। ये रही चाय, चाय अभी मैं इसकी बनाऊंगी जो मिल्क पाउडर वाली चाय होती है। एंड फिर यमी था ये भी नाश्ता। मैंने इसको उठाया, मैंने बोला बात हो, तो रो रहा था बेचारा, रो नहीं रहा था थोड़ा, हाँ इमोशनल सा हो गया था। मजा आ रहा है
बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर।